Assalamu alaikum. Welcome to my channel Quick Knowledge by Mira Fatma. सो so, uh, अगर हम तो बात कर रहे थे यूरिन कंसनट्रेशन और डाइल्यूशन की ठीक है तो हमने यूरिन कंसनट्रेशन में हमने यूरिन कंसनट्रेशन की डिटेल पढ़ ली थी ठीक है तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे पास बच गया है ना वो है काउंटर करंट एक्सचेंज का टॉपिक ठीक है व्हाट इज़ अ काउंटर करंट एक्सचेंज काउंटर करंट एक्सचेंज ये होता है कि देखो आपने हाइपर ऑस्मोटिक जो है वो रीजनल डिलेवरी इंटरसिशम जो है वो बना ली ठीक है काउंटर करंट मैकेनिज्म के थ्रू जो है वो हाइपर उसमोलर बन गई बट अब उस हाइपर ओस्मोलैरिटी को क्रिएट uh, जो है क्रिएट तो कर लिया पर उसको मेनटेन रखना बहुत uh, जो है वो इम्पॉर्टेंट बात होती है ठीक है उसको मेंटेन रखने के लिए हमारे पास जो एक मैकेनिज्म काम करता होता है वो है काउंटर करंट एक्सचेंज और काउंटर करंट एक्सचेंज जो एक मैकेनिज्म होता है इसमें कौन अपना जो है वो रोल प्ले कर रहा होता है वाजा रेक्टा वाजा रेक्टा के बारे में हमें पता है वो क्या होती हैं ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज ही होती हैं बट आपके पास जो नेफ्रॉन्स जो जक्सटा मेडलरी नेफ्रॉन्स होते हैं ना उनको सप्लाई करते है लोंगर होती हैं ठीक है उनको सप्लाई कर रही होती हैं ये ठीक है अब ये क्या, 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 क्या कर रही होती है इट प्रिजर्वस हाइपर ऑस्मोलैरिटी ऑफ द रीनल मिडला ठीक है वाजा रेक्टा क्या कर रही होती हैं काउंटर करंट एक्सचेंज जो मेकनिज़म है वो वाजा रेक्टा ही करवा रही होती हैं वो क्या कर रही होती हैं हाइपर ऑस्मोलैरिटी ऑफ़ द रीनल मिडला जो हमने काउंटर करंट मैकेिज़म के थ्रू अटेन किया था उसको प्रिजर्व करती दें ठीक है अब वो प्रिजर्व करने क्यों कैसे करती हैं इनके दो इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से आपके पास हमें जो है वैजा रेटा करी होती हैं हाइपर ओसमेलिटी को मेनटेन करी होती हैं सबसे पहले हमने बताना कि वजह हमें पता है ना कि वो मिडलरी जो है वो मिडला के लेवल पर मतलब जो लूप ऑफ फैलने जो डीप डिप कर रही होती है डीप इन होती है मिडेला उसको सप्लाई करिए तो आपके पास जो मिडेला का ब्लड फ्लो फ्लो है ना वो सिर्फ और सिर्फ फाइव परसेंट होता है ठीक है ये अच्छे से याद रखना है मेडा का ब्लड फ्लो सिर्फ और सिर्फ फाइव परसेंट है फाइव परसेंट भी क्यों है क्योंकि जो आपके पास वहां पे सेल्स पड़ रहे हैं उनको भी तो मेटाबॉलिक नीड्स चाहिए ना तो उनके मेटाबॉलिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए हमारे पास फाइव परसेंट ब्लड फ्लो है और स्लगिश ब्लड फ्लो की वजह से जो कि बाजार रक्त के अंदर ब्लड फ्लो बहुत स्लगिश है इसकी वजह से आपके पास क्या होता है स्ल्यूट जो सल्यूट लॉस होता है ना वो मिनिमाइज हो जाता है आपके पास ठीक है इट मिनिमाइज द दलूट लॉस फ्रॉम द मेडलरी इंटस्टिशियम जब आपके पास ब्लड फ्लो बहुत स्लगिश होगा ब्लड की अमाउंट भी कम है मतलब सिर्फ फाइव तो आपके पास वो क्या करेंगे सल्यूट को अपने साथ भाग के नहीं लेकर जाएंगे तो आपके पास जो सल्यूट लोस होता है वो मिनिमाइज हो जाता है मेडेला के इंटरसेशन से तो एक सेकंड इंपॉर्टेंट फीचर जो होती है ना आपके पास वाजा रेटा जो होते हैं एक्ट कर रहे होते हैं अ काउंटर करंट एक्सचेंजर्स ठीक है काउंटर करंट एक्सचेंजर्स एक्ट करते हैं वाजा रेक्टा क्यों एक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ द यू शेप मतलब वाजा रखता पहले ऊपर से नीचे आती है ऐसे ठीक है नीचे आई मतलब डिसेंडिंग लिप के बाद फिर लूप बना रही है फिर ऊपर जा रही है इस यू शेप की वजह से इसको हम कहते हैं काउंटर करंट एक्सचेंजर और काउंटर करंट एक्सचेंजर हमें हमारे पास जो है वो हमें हेल्प कर रहा होता है इन, इन, इन जो है वो मेनटेनिंग द हाई पर्समेलिटी ऑफ द डीनल मेडल यू शेप जो है वो कैसे हेल्प कर रही होती है ये भी हम देख लेते हैं देखो ये रही हमारे पास इसकी डायग्राम ठीक है आपके पास ये जो ब्लैक में शो की हुई है ये हमारे पास क्या है ये सारी ये हमारे पास वाजा रखता है ठीक है अब देखो वादा रेक्टा की एक डिसेंडिंग आपके पास लिंब होती है इसकी भी एक असेंडिंग लिंब मतलब लूप एक नीचे को जा रही है ना इसकी एक लिंब एक ऊपर को जा रही है वहाँ पे क्या बना रही है लूप बना रही है अब इसकी यू शेप की इंपॉर्टेंस क्या है क्योंकि यू शेप की वजह से काउंटर करंट एक्सचेंजेज रिएक्ट कर रही होती है हमारे पास ठीक है अब देखो जब ये नीचे की तरफ आ रही है ना ऐसे अब देखो इसके अंदर जो प्लाज्मा की ओस्मेलिटी कितनी है एज यूजुअल 300 होती है जब ये नीचे आती है ना तो क्योंकि आपके पास हाइपर ओस्मोर जो है आपके पास मेडला के मिडलाक इंटरशिट उसमें आपके पास जो कुछ कोलाइड ऑस्मोटिक और, और कुछ हाइड्रोस्टेटिक फोर्सेस होती है ना उन फोर्सेस की वजह से बल्क फ्लो ऑफ फ्लूड जो होता है ना अक्रॉस दी कैपिलरी मेमब्रेन मूव करता है और डी ऑब्जॉप ऑब्वियस है तो ऑब्जॉप करवानी करवानी तो डी ऑब्जॉर्प्शन यहाँ पर होती है क्या होगा सल्यूट बाहर ज्यादा सल्यूट बाहर से कहाँ आ रहा है अंदर वाजा रक्टा की तरफ आएगा डिसेंडिंग लिम की बात हो रही है ठीक है इस इस वाले आ, लेफ्ट वन पे ठीक है सल्यूट अंदर जाएगा और जो वाटर है और बाहर हाइपर उसमिलरिटी तो वाटर यहाँ से बाहर जाएगा जिसकी वजह से क्या होगा इस काउंट जो आपके पास डिसेंडिंग लिम में जो आपके पास प्लाज्मा उसको पिलातेरिटी वाटर के निकलने की वजह से और सल्यूट के ऐड होने की वजह से देखो भरती जा रही है थ्री से फिर सिक्स फिर एट फिर थाउजेंड और देखो उसके टिप पर बिल्कुल जाकर ट्वेल्व हो जाती है ट्वेल्व हो गई है ठीक है ये डिस अब असेंडिंग में देखो आपके पास क्या आ रहा होता है असेंडिंग में आपके पास होगा कि अब यहाँ पे जो है वो वाटर जो होगा ना वो दोबारा से इसके अंदर वापस आता जाएगा जैसे वाटर यहाँ पे आपके पास बाजार से निकल के बाहर आ गया था इंटेस्टम में लेकिन जब आपके पास ऊपर की तरफ इसकी जाती है जो वाई का जो यू का जो अपर वाला लूप था जब ऊपर की तरफ जाते था तो आपके पास यहाँ पे जितना इसने वाटर लूज़ किया था ना इंटू द इटेसिशम वही वाटर अब दोबारा के दोबारा इसके अंदर जो है वो हो रहा है ठीक है और जो सल्यूट इसने लिया था फ्रॉम द इंटेसिशम वो सल्यूट वापस ही को वापस कर देगी ठीक है वापस करते हुए देखो इसके समेरिटी जो है वो जहाँ पर ट्वेल्व हंड्रेड हो गई थी वहाँ से कम हो गया थाउजेंड एट हंड्रेड सिक्स हंड्रेड थ्री हंड्रेड देखो अच्छा यहाँ पे आ रही थी वो थ्री हंड्रेड थी लेकिन जब वो जा रही है वो थ्री फिफ्टी है थ्री फिफ्टी है इसका मतलब ये है कि थ्री फिफ्टी क्यों है क्योंकि आपके पास वाजा लगता है मैं पता है कि मडेला के लेवल पे भी जो आगे जो ट्यूब्यूल्स होते हैं ट्यूब्यूल का अंदर रीअबॉर्प्शन ही होती है जो रीअब्जॉर्बन के प्रोडक्ट्स हैं हमें दोबारा ब्लड में तो लेके जाने होते हैं ना तो देखो माइन्यूट सा इंक्रीज हो रहा है इस क्लेटी में थ्री हंड्रेड था और थ्री हंड्रेड से आपके पास जब उसको लीव करी तो थ्री फिफ्टी हो गया थ्री फिफ्टी हो गया इसका मतलब ये है कि आपके पास ये वो वाला फ्लूड और वो वाले सल्यूट्स लेके जा रही है जो कि मेडला के जो ट्यूब्यूल्स में जो है वो रीअबज़ॉर्ब हुए हैं ठीक है वो जो 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 हुए हैं वो दोबारा इसको लेके जो है वो लेके जा रही है टूवर्ड्स अ ब्लड ठीक है आपके पास जो सर्कुलेशन होती है वहाँ लेकर जा रही है और मैडालाग में जो हाइपर ऑस्मोलैरिटी की जो कंडीशन है उसको डिस्टर्ब नहीं करती मतलब उस, उसने इसको मेनटेन रखा हुआ सलूट अगर इसके अंदर एंटर हो रही है तो उसको वापस देख के जा रही है ठीक है इस तरह क्या हुआ है आपके पास काउंटर करंट जो है वो एक्सचेंजर के थ्रू आपके पास मैडालाग की हाइपर ऑस्मोलैरिटी मेनटेन हो रही है ये देखो हाइपर ऑस्मोलैरिटी उसकी मेनटेन रहनी है यहाँ पे आपके पास जो उसने कैसे मेंटेन रहिए जो सल्यूट उसके अंदर एंटर हुआ है वो बाद में इसके अंदर वापस भी चला गया है सोल्यूट को वॉश आउट नहीं कर रही है ठीक है उसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात थी कि अगर आपके देखो आपके ब्लड फ्लो कम है लेकिन अगर आपके पास मिडलीरी ब्लड फ्लो वो ज़्यादा हो जाए ठीक है मिडला का ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाए ब्लड फ्लो uh, कैसे ज़्यादा हो सकता है अगर हम कोई भी वेजो डायलेटर्स अगर यूज़ करें या अगर कर आपके पास आर प्रेशर ज़्यादा हो जाए दो कंडीशन है जिसमें आपके पास मिडला का ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाता है वो कौन सी कंडीशन है अगर आपके पास अगर आप वेजो डायलेटर्स को यूज़ करो जिसकी वजह से आपके पास जो है वो ब्लड कैपिलरीज जो है वो डायलेट करिए जब डाइलेट कीजिए तो ब्लड फ्लो उसमें इंक्रीज़ हो जाता है ठीक है या आपके पास आर प्रेशर अगर आपके पास बढ़ जाता है उसकी वजह से क्या हो जाता है आपके पास मिडला का ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है जब ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है ना ज़्यादा ब्लड आएगा तो वो क्या कर देगा आपके पास अपने साथ जो सल्यूट को वॉश आउट करके ले जाएगा ठीक है यहाँ पे तो फाइव परसेंट बहुत स्लगेज का फ्लो था जिसकी वजह से स्लगिश की वजह से जो अंदर एंटर हो गए वो सल्यूट बाहर भी निकल गए लेकिन जब ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाएगा आपके पास फिर आपके पास वो ब्लड क्या करेगा अपने साथ साथल्यूट को वॉश आउट करके ले जाएगा जब सलूट को वॉश आउट करके ले जाएगा इट विल रिड्यूज़ द किडनीज अबिली टू कंसनट्रेट द यूरन क्यों क्योंकि आपके पास हाइपोर की जगह हाइपो की कंडीशन बन जाएगी ना आपके पास क्योंकि सल्यूट वॉश आउट हो जाएंगे तो आपके पास हाइरो तो आपके पास रीना मंडला में रहने जाएगी जब हाइपर नहीं रह जाएगी वो तो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर द किडनी के वो कंसेंट्रटिंग यूनिट बनाए जब हाइपर स्टीडीशन नहीं रह जाएगी तो आपके पास uh, जो है वो यूनिट की एक्सचेंज